आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट गुड़ की डली, हर सुबह एक मीठी बात। नमस्कार, मैं हूं संदर्शिका। आज की मीठी बात जुड़ी है फसल लोन माफी से। तेलंगाना के किसानों के लिए खुशखबरी है। कांग्रेस सरकार किसानों के 2 लाख रुपए के कर्ज माफी के लिए 9 दिसंबर की अंतिम तारीख तय कर सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी अपने मंत्रिपरिषद के साथ 4 जून को चुनाव आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद फैसला लेंगे। सीएमओ सूत्रों का कहना है कि विचार विमर्श के बाद 9 दिसंबर को कट ऑफ तारीख तय करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जिन किसानों ने 9 दिसंबर 2023 से पहले लोन लिया था, उनका फसल कर्ज माफ हो जाएगा। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कहा कि 9 दिसंबर 2023 के बाद लिया कर्ज को माफी योजना के तहत नहीं लाया जा सकता। सरकार ने अनुमान लगाया कि इस योजना को एक बार में लागू करने के लिए उसे 32,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। कांग्रेस ने 7 दिसंबर 2023 को सरकार बनाई और 9 दिसंबर से, जो कि सोनिया गांधी का जन्मदिन है, अपने 6 में से 2 गारंटी को लागू करना शुरू कर दिया। ये तारीख इसलिए भी अहम है क्योंकि अलग तेलंगाना राज्य के गठन की औपचारिक घोषणा 2009 में भारत सरकार की ओर से तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने इसी दिन की थी। सीएमओ में चर्चा है कि सरकार 1 अप्रैल 2019 से कर्ज हासिल करने वाले किसानों को राहत देने की योजना बना रही है। सीएमओ के एक सूत्र ने कहा कि अगर ब्याज सहित कर्ज राशि 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो सरकार वादे के अनुसार 2 लाख रुपए माफ करने का इरादा रखती है और शेष बकाया का भुगतान किसानों को करना होगा। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। ऐसी ही अच्छी और काम की खबरों के लिए सुनते रहिए हमारा ये खास पॉडकास्ट गुड़ की डली।